ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आज हम आपको बताएंगे पद्मनाभ स्वामी मंदिर के सातवें द्वार के रहस्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। यह मंदिर पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित है। यह भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिर में से एक है। देश विदेश से कई श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है। शेषनाग पर शयन मुद्रा में भगवान विराजमान हैं। यह मंदिर काफ़ी रहस्यों से भरा हुआ है। यह विश्व की सबसे अमीर मंदिर मानी जाती है। इस मंदिर में करीब 1,32,000 करोड़ की मूल्यवान संपत्ति है, जो स्विट्जरलैंड की संपत्ति के बराबर है। देखा जाए तो इस मंदिर के पीछे कई कहानियां हैं, जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने पद्मनाभम मंदिर को बनवाया था। सबसे अहम बात यह है कि इसका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी आता है। 1750 ईस्वी में महाराजा मार्तंड वर्मा ने खुद को पद्मनाभ दास बताया, जिसका मतलब प्रभु का दास होता है। इसके बाद शाही परिवार ने खुद को भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया। इस वजह से त्रावणकोर के राजाओं ने अपनी दौलत पद्मनाभ मंदिर को सौंप दिया। 1947 ईस्वी में त्रावणकोर के राजाओं ने इस राज्य में राज किया। हालांकि आज़ादी के बाद इसे भारत में विलय कर दिया गया। विलय होने के बावजूद सरकार ने इस मंदिर को अपने कब्जे में नहीं लेकर त्रावणकोर के शाही परिवार को सौंप दी। अब इस मंदिर की देखभाल शाही परिवार के अधीनस्थ एक प्राइवेट ट्रस्ट करता है। संपत्ति और रहस्य को देखते हुए कई लोगों ने इसके द्वारों को खोलने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। 7 सदस्यों की निगरानी में अब तक 6 द्वार खोले जा चुके हैं, जिनसे करीब 1,32,000 करोड़ के सोने और जेवरात मिले हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात सातवें गेट की है। ये अभी तक पूरी दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है, जिसे अभी तक खोला जाना बाकी है। वैसे जब भी इस मंदिर के खजाने को खोलने की बात होती है, तो इसमें अनहोनी की कहानी भी जुड़ जाती है। दरअसल इस मंदिर के सातवें गेट में ना कोई वोल्ट है और ना ही कोई कुंडी। गेट पर 2 सांपों के प्रतिबिंब लगे हुए हैं, जो इस द्वार की रक्षा करते हैं। इस गेट को खोलने के लिए किसी कुंजी की जरूरत नहीं पड़ती। इसे मंत्रोच्चारण की मदद से ही खोला जा सकता है। यह एक गुप्त गृह है, जिसकी रक्षा पुराणों के अनुसार नागबंधम यानी कि शेष नाग करते हैं। इस गेट को कोई 16वीं सदी का सिद्ध पुरुष, योगी या फिर कोई तपस्वी ही गरुड़ मंत्र की मदद से खोल सकता है। नियमानुसार गरुड़ मंत्र का अस्पष्ट तरीके से उच्चारण करने वाला सिद्ध पुरुष ही इस गेट को खोल पाएगा। अगर पंडितों और पुराणों के नियमानुसार गरुड़ पुराण का अस्पष्ट तरीके से उच्चारण करने वाला सिद्ध पुरुष ही इस सातवें गेट को खोल पाएगा। अगर उच्चारण सही से नहीं किया गया तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अभी हाल ही में याचिकाकर्ता की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई। देश के शंकराचार्य इस पूरे मामले पर कहते हैं कि सातवें दरवाजे को खोलने के बारे में देश का उच्चतम न्यायालय फैसला करने वाला है। ऐसे में मंदिर की संपत्ति की देखरेख राज परिवार के हाथों में सौंपना सही होगा। 90 वर्षीय त्रावणकोर राज परिवार के प्रमुख तृणल मार्तंड वर्मा ने अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ को दिए गए एक इंटरव्यू में कहते हैं कि हमने अपनी पूरी जिंदगी इस मंदिर की देखभाल में लगा दी है। हम इस दुनिया और भगवान की सेवा में तत्पर हैं। सातवें द्वार के खुलने का मतलब देश में प्रलय आना है। हमारी कोशिश है कि इसे रहस्य ही रहने दिया जाए। इस मंदिर से मिली संपत्ति को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाकई यह काफ़ी रहस्यमयी मंदिर है। कई लोगों का मानना है कि सभी संपत्तियों को जनता की भलाई के कामों में लगा देना चाहिए, जो काफ़ी हद तक सही भी है।
तो आशा करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।